पीपी सात का नतीजा सामने आ गया। पीपी सात का नतीजा गैर सरकारी गैर हतमी, इसके मुताबिक पीटीआई आके है, 15,000 से ज़्यादा वोट ले चुकी है और उसके पीछे पीएमएलएन सख्त मुकाबले के साथ 14,000 वोट ले चुकी है। मुकाबला सख्त है नाजरीन। अब आगे बढ़ते हैं, पीपी 83 खुशाब का नतीजा गैर सरकारी गैर हतमी पीटीआई 32,000 से ज़्यादा वोट ले चुकी है और उनके मुकाबले उनके साथ क्लोज़ मुकाबला है 29,000 वोट का। एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, ये मुकाबला भी सख्त है, आखिर में फैसला होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बखर पीपी 90 पीटीआई उम्मीदवार 33,000 वोट लेकर आगे हैं और पीएमएलएन उनके साथ मुकाबले में 27,000 वोट के साथ सख्त मुकाबला कर रही है। दोनों तरफ मुकाबला सख्त है, इसका भी आखिर में रिज़ल्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, गैर आत्मी गैर सरकारी नतज बता रहे हैं। पीपी 97 पीटीआई 14,000 वोट के साथ और पीएमएलएन भी 14,000 वोट के साथ मुकाबला कर रही है। आगे बढ़ते हैं, जंग पीपी 125 125 पीटीआई उम्मीदवार 44,000 वोट लेके आगे और उससे काफ़ी पीछे पीएमएलएम के उम्मीदवार 26,000 वोट के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं, जंग एक और नशिस्त का नतीजा पीपी 127 127 पीटीआई उम्मीदवार 39,000 वोट लेके आगे और पीएमएलएन के उम्मीदवार 24,000 वोट के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ये गैरतमी गैर सरकारी नतायज हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पीपी 140 शेखोपुरा का नतीजा पीटीआई 34,000 से ज़्यादा वोट ले चुकी है और उसके मुकाबले में पीएमएलएन को 21,000 वोट मिले हैं। गैर सरकारी नतायज गैर आत्मी नतायज। आगे बढ़ते हैं, पीपी 158 लाहौर का नतीजा पीटीआई 27,000 वोट लेके आगे, पीएमएलएन 22,000 वोट लेके मुकाबला कर रही है। लाहौर पीपी 167 का इलेक्शन पीटीआई 26,000 वोट के साथ और पीएमएलएन 17,000 वोट के साथ यहाँ भी मुकाबला हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, गैर रस्मी गैर सरकारी नतायज। पीपी 168 लाहौर पीएमएलएन 22,000 वोट के साथ और पीटीआई 7,000 वोट के साथ, सॉरी पीएमएलएन के अभी 12,000 वोट हैं और पीटीआई के 7,000 वोट हैं, यहाँ भी मुकाबला सख्त है। आगे बढ़ते हैं, पीपी 170 लाहौर का हल्का है, पीटीआई 18,000 वोट और पीएमएलएन 11,000 वोट, यहाँ भी मुकाबला सख्त हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, पीपी 202 साहिवाल, यहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार जीत गए, ये 60,000 वोट के साथ हैं और 57,000 वोट के साथ हैं। खबरें आ रही हैं कि ये जीत चुके हैं, हम इसका रिजल्ट शेयर कर देंगे।
पीपी 214 पीटीआई के उम्मीदवार 57,000 वोट इस लेके साथ हैं दे चुके हैं और पीएमएलएन 43,000 वोट। मुकाबला यहाँ पे हो रहा है। गैर आत्मी गैर सरकारी नतज पीपी 228 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के 31,000 वोट हैं, 31,000 से ज़्यादा वोट हैं और पीटीआई के उम्मीदवार के भी 24,000 से ज़्यादा वोट हैं। यहाँ भी मुकाबला सख्त है। मुल्तान पीपी दो सौ सत्रह से पीटीआई के उम्मीदवार जीत गए, 47,000 से ज़्यादा वोट लिए और पीएमएलएन के उम्मीदवार हार चुके हैं। पीपी 282 का भी फाइनल रिजल्ट आ गया है, पीटीआई के उम्मीदवार 59,000 वोट।